ठीक है, तो अब बात करते हैं नए टॉपिक की, और टॉपिक क्या है? विनिवेश। सुना नाम आप लोगों ने? तो हमने जो विदेशी व्यापार की चर्चा है की, हमने जो एलपीजी की चर्चा की, उन सब से संबंधित टॉपिक है विनिवेश। और कई बार बीच बीच में टर्म आए हैं। हाँ, आप लोगों ने पूछा भी था, सर विनिवेश क्या होता है, सरकार कैसे करती है? तो अब विनिवेश की बात हम लोग कर लेते हैं। तो सरल भाषा में कहा जाए कि विनिवेश क्या है, तो बड़ा सिंपल मीनिंग है। सरकार जब भी कोई संपत्ति अपनी बेचती है तो उसे हम लोग विनिवेश कहते हैं। सरकार की सैकड़ों संपत्तियां हैं, सरकार की फैक्ट्रीज हैं, सरकार के इंडस्ट्री हैं, सरकार की कंपनियां हैं, सरकार की कई बैंक हैं। तो सरकार जब भी अपने संपत्ति को बेचती है, अपने असेट को सेल करती है, उसे हम विनिवेश कहते हैं। तो विनिवेश बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपने संपत्तियों में, या सरकारी उपक्रमों में, या पब्लिक इंटरप्राइजेज में, या सरकारी कंपनियों में अपने हिस्सेदारी को अंशतः या पूर्णतः, फुल्ली या पार्शियली बेचती है। समझ गया? फुल्ली या पार्शियली। सरकार की IOCL है, ONGC है, अभी सरकार ने LIC में अपना हिस्सा बेचा 3-4%। तो या तो सरकार अपनी कंपनी को पूर्णतः बेच दे, या अंशतः उसमें से कुछ हिस्सा बेच दे। अभी एयर इंडिया को पूर्णतः बेच दिया है, टाटा को बेच दिया ना, सुना होगा, तो भी विनिवेश हुआ। यानी सरकार जब किसी भी अपनी कंपनी में से अपना कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा हिस्सा बेच देती है, उसे हम विनिवेश कहते हैं। फुल्ली और पार्शियली जब शेयर बेचे जाते हैं, उसे विनिवेश कहते हैं। ये परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, इंग्लिश वाले लोग मेरे से PDF ले लेंगे, चिंता ना करें। मैं बार बार कहता हूँ, हर जगह जब भी मैं ये PPT आपको दिखाता हूँ, तो मैं बोलते रहता हूँ कि आप लोग उसका मेरे से PDF ले सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या व्यक्तिगत तौर पर आप मेरे से ले सकते हैं, पर्सनली आकर के, है ना। तो उसे हम विनिवेश कहते हैं। सरकार अपने किसी भी उपक्रम में से, किसी भी कंपनी में से, किसी भी संस्था में से जब बेचती है, तो उसे हम विनिवेश कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार बेचती क्यों है, सरकार संपत्ति बेचती क्यों है, तो उसका कारण क्या है, सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है। अब आप कहें सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है, तो हमने पढ़ा था बजट में कि सरकार के पास कुछ पैसे आते हैं, कुछ स्रोतों से पैसे आते हैं, और सरकार को कई स्रोतों में पैसा खर्चा करना होता है। हमने बताया था कि सरकार को घाटा होता है, जितना खर्चा है उससे कम पैसा सरकार को प्राप्त होता है कि नहीं। तो सरकार जो है उस घाटे की पूर्ति के लिए, चूंकि आमदनी कम है और व्यय ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को वो करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। जैसे हम लोग बेचते हैं, हमें भी अपने घर में बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी की इलाज कराने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए अपनी संपत्तियों को बेचना होता है। वो संपत्तियों के बेचते हम लोग जो हैं, तो संपत्ति बेचना हुआ, सरकार बेचती है, तो उसको हम लोग विनिवेश कहते हैं, है ना। तो विनिवेश का उद्देश्य जो है कई होता है। सरकार को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, कई ऐसी संपत्तियां सरकार की हैं जो काम नहीं कर रही हैं, अच्छा नहीं कर रही, उनको बेचा जाता है। राजकोषीय बोझ को कम करता है, अगर सरकार विनिवेश करेगी तो कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, और सरकार अगर विनिवेश नहीं करेगी तो कर्ज लेना पड़ेगा। हम लोग की आवश्यकता पैसे की होती है, हमेशा थोड़ी हम लोग कर्ज लेते हैं। कुछ ऐसे पुराने मकान, कोई फ्लैट, कोई प्लॉट, कोई जमीन, कोई संपत्ति पड़ी होती है तो हम बेच देते हैं, या गिरवी रख देते हैं और पैसा ले लेते हैं। तो सरकार गिरवी नहीं, सरकार बेचती है, या पूर्णतः या अंशतः। सार्वजनिक व्यय को कम करना, सरकार जब विनिवेश से पैसा लेगी तो सरकार उस पैसे को खर्च करेगी, तो सरकार का जो, और इसमें भी होता है, ये ध्यान रखिए कि सरकारी कंपनियां हैं उन पे सरकार को खर्चा करना होता है, और जब विनिवेश कर देगी उसमें कोई, विनिवेश मतलब क्या, उसमें कोई पार्टनर आ गया, पूरी कंपनी बेच दी, ऐसे एयर इंडिया को बेच दिया, एयर इंडिया घाटे में चल रहा था, तो घाटे में चल रहा था तो सरकार का खर्चा बहुत हो रहा था, सरकार का व्यय हो रहा था, घाटे में चल रही थी तो और ज्यादा व्यय हो रहा था। तो जब उसको बेच दिया तो सरकार के व्यय कम हो गए, सरकारी व्यय कम हो जाता है। हिस्सा बेच दिया तब भी सरकार का व्यय कम होगा, कि मान लो 5% बेचा, 10% बेचा, 20% बेचा, तो जो भी खर्चे होंगे उसमें प्राइवेट पार्टनर आएगा,
बाकी लोग जो आएंगे उनके भी खर्चे होंगे उसमें से, तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक व्यय को भी कम करता है। ये सरकारी कंपनियों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के यानी पीएससी या पीएससी के संचालन प्रबंधन को भी बेहतर करता है। जब किसी भी कंपनी में प्राइवेट पार्टनर आ जाएगा, निजी साझेदार आ जाएगा, निजी क्षेत्र का व्यक्ति आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसका प्रॉफिट वगैरह देखना होगा, उसको ज़्यादा लाभ कमाना होगा, तो खर्चों पर नियंत्रण करेगा, खर्चे कम करेगा, तो उससे सरकारी खर्चे कम होंगे, सरकार को बोझ कम पड़ेगा और उसकी गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी। कि जहाँ प्राइवेट पार्टनर आया तो प्राइवेट पार्टनर हिसाब से काम करेगा, वो भी उसमें पार्टनर बन जाएगा। विनिवेश यही तो है, अगर अंशतः बेचा है सरकार ने, उसमें प्राइवेट पार्टनर आ गया, और जब प्राइवेट पार्टनर आ गया तो निश्चित तौर पर उसको लाभ कमाना है, उसको बेहतर सर्विसेज देना है, बेहतर वस्तु उत्पादन करना है, तो डेफिनेटली उसको बेहतर करेगा। ठीक है, निजीकरण को बढ़ावा देना। सरकार का काम सिर्फ लाभ कमाना नहीं, सरकार का काम फैक्ट्री चलाना नहीं होता है। अपने देश में आज़ादी के बाद सरकार सारी उद्योग धंधे, बताया था मैंने, सारे उद्योग धंधे वगैरह सरकार के पास ही थे, बहुत सारे, कुछ ही सरकार ने उद्योग धंधों को फ्री छोड़ा था। तो निश्चित तौर पर उसके चलते सरकारी कंपनियों में, सरकारी इकाइयों में बेहतर निष्पादन, बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा था। और निश्चित तौर पर निजी संस्थाएं काम करती हैं तो ठीक है, थोड़ा वहाँ शोषण हो सकता है उपभोक्ताओं का, श्रमिकों का, मजदूरों का, लेकिन उससे उत्पादन बढ़ता है, देश की GDP बढ़ती है, तो ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होती है। सरकार विनिवेश के द्वारा निजीकरण को बढ़ावा देती है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है। लेकिन यहाँ एक बात जान लें आगे बढ़ने से पहले, कि विनिवेश और निजीकरण, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों में संबंध भी है लेकिन दोनों में अंतर भी है। तो समझ लेते हैं हम लोग, विनिवेश का उद्देश्य समझ लिया हम लोगों ने, अब बात करते हैं इसको, आप चाहे स्क्रीन शॉट ले लें, इसका इंग्लिश में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है, सॉरी, विनिवेश और निजीकरण अंतर क्या होता है? क्या सारे विनिवेश निजीकरण होते हैं? तो नहीं, सारे विनिवेश निजीकरण नहीं होते हैं। क्या अंतर है? पहला है कि सभी विनिवेश निजीकरण नहीं होते, लेकिन सभी निजीकरण विनिवेश होता है। क्या मतलब? अब इसको सरलता समझ लो, इसको तो पढ़ लोगे, सरलता समझ लो। सरकार जब भी, मान लो कि सरकारी कंपनी में LIC है, मान लो सरकार का हिस्सा 100% था, तो LIC सरकार की कंपनी है पूर्णता। अब गवर्नमेंट ने इसमें 3.5% शेयर बेच दिया, अब सरकार का हिस्सा कितना रह गया? 96.5%। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम विनिवेश कहेंगे। और अगर सरकार ने एयर इंडिया को बेच दिया, पूर्णता बेच दिया, या सरकार ने किसी ऐसे कंपनी को बेचा जिसमें सरकार का हिस्सा 51% से कम हो गया, तो वो निजीकरण हो गया। यानी विनिवेश के बाद अगर सरकार का हिस्सा उस कंपनी में 51% से कम हो जाए तब वो निजीकरण होता है। लेकिन अगर विनिवेश के बाद भी सरकार का हिस्सा, सरकार का शेयर अगर 51% या उससे ज़्यादा रहता है तो उसे हम विनिवेश कह सकते हैं, निजीकरण नहीं कह सकते हैं। यानी जितना भी विनिवेश हुआ वो निजीकरण नहीं हुआ, क्योंकि विनिवेश करने के बाद भी इसमें क्या हुआ? सरकार का हिस्सा 96.5% है, तो वो विनिवेश है, निजीकरण नहीं है। लेकिन मान लो सरकार ने अपना शेयर ज़्यादा बेच दिया, किसी कंपनी में सरकार का हिस्सा 100% था और सरकार ने 50% बेच दिया, तब तो सरकार का गवर्नमेंट का हिस्सा कितना रह गया? 50 रह गया, तो गवर्नमेंट का हिस्सा 51 से कम हो गया, उससे हम निजीकरण कहेंगे। यानी सभी विनिवेश निजीकरण नहीं है, लेकिन सारे निजीकरण जो है विनिवेश होते हैं। यानी सरकार कुछ भी हिस्सा बेचे तो उसे हम विनिवेश कहते हैं, लेकिन सरकार का हिस्सा अगर बेचने के बाद 51% से कम हो जाए तभी उसको निजीकरण कहते हैं, है ना? यानी कि विनिवेश के बाद सरकार का नियंत्रण उस पर रह सकता है। किस पर?
उस कंपनी पर, उस इकाई पर, लेकिन निजीकरण के बाद सरकार का हिस्सा, सरकार का स्वामित्व, सरकार का नियंत्रण, सरकार का ओनरशिप, सरकार का कंट्रोल उस संस्था पर नहीं रहता है ना। तो जब सरकार विनिवेश करने के बाद, डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद भी 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है तो उसे हम सिंपली विनिवेश कहेंगे, छोटा विनिवेश कहेंगे। लेकिन अगर सरकार का शेयर जो है 51 या उससे कम हो, 51 से कम हो गया तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहेंगे, निजीकरण कहेंगे। जैसे सरकार ने एयर इंडिया का किया उसे कहेंगे प्राइवेटाइजेशन, कर दिया, पूरा एयर इंडिया चला गया टाटा के हाथों में। और जो LIC वाला हुआ उसे क्या कहेंगे, उसे सिंपली विनिवेश कहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे, वो निजीकरण नहीं हुआ, ठीक है ना। और इसी जब फुल्ली सरकार बेच देती है ना, ओनरशिप उसका स्वामित्व दे देती है किसी और को, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, रणनीतिक विनिवेश। यानी अगर विनिवेश करने के बाद सरकार का कंट्रोल उस संस्था पर से, उस यूनिट पर से, उस इंटरप्राइजेस पर से खत्म हो जाता है, उसे हम रणनीतिक विनिवेश या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी उस केस में सरकार का हिस्सा जो है 51% से कम हो जाता है, ठीक है ना। तो सरकार विनिवेश करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है हमेशा अपने लिए धन प्राप्त करने के लिए, या जो घाटे में इकाइयाँ चल रही हैं उन पर घाटा कम करने के लिए, अपने फिस्कल डिफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती रहती है। अब यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं कि सरकार ठीक है विनिवेश करती है तो जो प्रॉफिट में कंपनी चल रही है उसका क्यों करती है, घाटे में चले उसका कर दो लेकिन प्रॉफिट में चले उसका क्यों करती है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आता है, आपके मन में भी आता है। तो निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए कि मान लें आपके घर में शादी ब्याह है, आपके घर में कोई बीमार है, आपके घर में कोई बच्चे को विदेश में पढ़ाना है, तो क्या पुराना स्कूटर, पुराना कार, पुराने मोबाइल ये बेच करके आप क्या उस खर्चे की पूर्ति कर सकते हैं? नहीं। जब हमें बड़े काम करने होते हैं, अच्छे काम करने होते हैं, तो कहावत है ना गाँव में, नाक की जमीन बेचना, तो नाक की जमीन भी बेच देते हैं। जब इलाज कराना होता है, पढ़ाना होता है बच्चों को, घर में किसी लड़की की शादी करनी होती है, तो इसमें हम लोग अपने अच्छी संपत्ति को ही बेचते हैं, क्योंकि खराब संपत्तियों को बेच करके हम उतना पैसा नहीं ले पाते हैं। इसी प्रकार सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी कई बार ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है तो अच्छी कंपनियों को, प्रॉफिट में चल रही कंपनियों को बेचना होता है, जिससे पैसा भी आए और उसमें प्राइवेट पार्टनर आ जाएगा तो निश्चित तौर पर वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे, उसके आउटपुट बढ़ेंगे। अब जैसे एयर इंडिया को सरकार ने बेचा, एयर इंडिया को बेचने के बाद पैसा ही नहीं आया, घाटे में थी, जितना पैसा है उससे ज़्यादा सर उस पर घाटा पड़ा हुआ है, वो लॉस में चल रही है कंपनी। LIC को भी बेचा 3-4%, तो उससे क्या पैसे आए, उस पैसे से अब बेहतर तरीके से सरकार उस पैसे का यूज भी करेगी और सरकार के LIC जो है और बेहतर परफॉर्म करेगी क्योंकि उसमें प्राइवेट पार्टनर आ गया है ना। तो विनिवेश इसीलिए कई बार अच्छी कंपनियों का, जो प्रॉफिट में चल रही कंपनियों का, इसलिए भी विनिवेश किया जाता है। ये बात आप समझ गया, ठीक है। तो निश्चित तौर पर विनिवेश एक छोटा सा टॉपिक था, ये आपको समझ में आ गया। और देश में विनिवेश के लिए कई कमिटियाँ, कई समितियाँ बनाई गई हैं। जब से विनिवेश बेसिकली 91 के बाद जो अपने देश में LPG लागू हुआ था उसके बाद विनिवेश की प्रक्रिया बताया था मैंने, शुरू हुआ था, तो कई कमिटियां हैं, कई हैं, उनका लिस्ट आपको दे दिया जाएगा। उसको क्लास में चर्चा करने की आवश्यकता हमें नहीं है कि कब कब कौन कमेटी बनी, विनिवेश मंत्रालय बना, अभी विनिवेश जो है ये वित्त मंत्रालय में एक विभाग है, इसे DIPAM कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, निवेश एवं लोक संपत्ति विभाग है ना, निवेश एवं लोक संपत्ति विभाग, लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग होता है ना, DIPAM, DIPAM इसे कहते हैं। यही विभाग जो है ये वित्त मंत्रालय के अंदर, कोई पूछे विनिवेश कौन करता है, सरकार तो करती है, सरकार के अंदर कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय में एक विभाग है DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, लोक संपत्ति, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, यही पूरा विनिवेश करता है। और इसकी स्थापना 2016 में इसका नाम दिया गया, पहले ये वित्त मंत्रालय का एक विभाग था। तो ये सब चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको आपको मिल जाएगा, PDF उसका मिल जाएगा, उसको यहाँ पे क्लास में समझाने की आवश्यकता नहीं है, उस पर बोलने की और लिखवाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया, अब आगे बढ़ें हम लोग, ठीक है, चलिए।